के बंदे हरि को जप ले, सच्चे धर्म को धारण कर ले, झूठे जग से ध्यान हटा ले, भक्ति भजन में मन को रमा ले, भव से तर ले, सुमिरन कर ले, कर एक नाम का पारायण। It's a pleasure for all of us that the efforts that have been put up by the temple in terms of Swaminarayan serial is now available to us on DVD. Swaminarayan Bhagwan has changed the lives of numerous individuals around the world. Seeing this DVD or the serial and the charitas of Maharaj, the Nan Santos and the Haribhaktos would definitely make a lot of difference in all our lives. I'd like to wish all the best for you to view this DVD. It's especially very helpful to the children to know our culture, tradition and our sampradaya. I wish you many best wishes for all your life, and make this Swaminarayan Sampradaya, Swaminarayan Bhagwan, evolve in our lives, in our hearts. प्रभु श्री कहिए मुक्तानंद जी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं। खैर, पूछ ही लेता हूं। प्रभु श्री, मेरी इच्छा है कि आप हमारे संप्रदाय को आपके परिवार से परिचित कराएं, इसलिए आपके परिवार को यहां आमंत्रित करें। यह कैसे हो सकता है मुक्तानंद जी? बचपन में गृह त्याग करने के पश्चात मैंने फिर उस ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखा, और ना ही कभी अपने मन में यह विचार आने दिया। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुरा बोलने वालों के मुंह से निकले हुए ताने हमारे सत्संगियों को सुनने पड़ते हैं। वो लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। आपके भगवान किस कुल से हैं, कहां से हैं, कहीं पाखंडी तो नहीं, और न जाने क्या क्या बातें करते हैं वो लोग, मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता। प्रभु श्री, आपके परिवार को यहां आमंत्रित करने से कम उन लोगों के मुंह तो बंद कर सकेंगे हम। ठीक है मुक्तानंद जी, जब आप ये प्रस्ताव रख रहे हैं तो अवश्य इसमें कोई ना कोई तथ्य होगा। आप बुलवा लीजिए हमारे परिवार को यहां। जी प्रभु श्री। वे अयोध्या के पास छपिया में रहते हैं, मेरे भाई
मेरी भाभी। जय स्वामी नारायण। भाई साहब, ये राम प्रताप जी का घर कहाँ है? राम प्रताप? ओह, वहाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। किसका पूछत रहे? वो राम प्रताप और सुहासिनी का। क्या? अजी सुनते हो? अरे कहाँ हो? क्या कर रहे हो? तनिक बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। अरे कौन आया है भगवान? ये संत पधारे हैं, हम सबको बुलावा आया है, हमरे हमरे घनश्याम की ओर से। घनश्याम? हाँ। हमार घनश्याम कहाँ है? वो कैसा है? वो क्या कर रहा है हमार घनश्याम इस वक्त? वो सुखी तो है ना? वो खुश तो है ना? वे इस समय लोया में है, सारे लोग उनकी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, उनका चिंतन मनन कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, भजन कीर्तन गा रहे हैं। वे तो हमारे भगवान है, भगवान प्रभु श्री स्वामी नारायण। लोया में शाकोत्सव हो रहा है और आप सबको बुलाया है। हम सबको उनकी ओर से बुलावा आया है, चलिए इसी वक्त निकल चलते हैं। अरे अरे भाग्यवान, नहीं नहीं, अब हमसे नहीं रुका जाएगा। घनश्याम महाराज ने बहुत बरस तक तड़पाया है मुझको, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, ना गले से पानी ना अन्न का दाना उतरेगा। मैं तो अरे सुन का रहे हो, चलिए चलिए ना, पूरे परिवार को आना है माँ। भगवान ही का हमारे घनश्याम को मिलने के उत्साह ने तुम्हारी सत्कार भावना को भुला दिया है का? भगवान हमारे आंगन पधारे, हमारे अभ्यागत को जलपान कराओ, कुछ भोजन करवाओ। इच्छा राम को मैं कलवा देता हूँ, ठीक है? हम सब कल प्रातः काल ही निकल जाएंगे। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जाएगा हमारे घनश्याम को देखे बगैर। तब हमारे घनश्याम महाराज केवल 3 बरस के थे, और 3 बरस के कोमल बालक के लिए किसी असुर का वध करना भला कैसे संभव था? सही बता रही हो भाभी। और देखो देखो, ये देखो अंगूठी, अति सुंदर है। हाँ, और मूल्यवान भी, मेरे मायके वालों ने दी थी मुझको, मुझे बड़ा ही गर्व था इस पर। सबको ये अंगूठी दिखा दिखा कर अपने अहंकार और घमंड का प्रदर्शन करती थी। एक दिन यही अंगूठी चोरी हो गई
चोरी हो गई? किसने की थी ये चोरी? क्या हमारे घनश्याम भैया ने उसे ढूंढ निकाला? पकड़ा चोर को? कौन था चोर? चोरी करने वाले थे स्वयं घनश्याम महाराज। क्या, हमारे घनश्याम महाराज ने चोरी की थी? क्यों? अपने अहंकार और घमंड का प्रदर्शन कर रही थी ना मैं, इसलिए। पर अब मन अति अधीर है हमरे घनश्याम महाराज को देखने के लिए। हम कब पहुंचेंगे महाराज? ठीक समय पे अवश्य पहुंच जाएंगे साकोत्सव पर। ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। किस सोच में डूबे हो राम भैया? हमारे घनश्याम की सोच में डूबे हैं। वो तो मेरे ताऊ लगते हैं ना पिताजी? हाँ बेटा। और मेरे चाचा जी? हाँ, किंतु तब तो आंखें पहचान न सकी थी कि वो स्वयं साक्षात प्रभु के अवतार हैं। हाँ तो आपने सबको निमंत्रण कर दिया है? हाँ, आसपास के सारे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया है। प्रभु श्री जी, कहिए। 60 मन बैंगन है। ठीक है दरबार। हाँ हाँ, तड़का लगाने की तैयारियां कीजिए। तड़का लगाने में तैयारियां कैसी? ये तो अति छोटा काम है। छोटा काम नहीं है, शाकोत्सव है। इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 12 मन घी लगेगा। लगभग उतना ही मसाला लगेगा। हाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगेंगी। और फिर चूल्हे भी तो तैयार कराने होंगे। हाँ, और रसोई करने वालों को भी बुला लेते हैं। नहीं दरबार, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार खाना केवल मैं पकाऊंगा, केवल मैं। कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, हैरान है जग सारा। कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, हैरान है जग सारा। कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। जलती अंगिठिया तेज अगन है, क्या बुरा हाल है तपता तन है। जलती अंगिठिया तेज अगन है, क्या बुरा हाल है तपता तन है। तन से पसीना है रहा निकल, मिर्च से नैन लाल चेहरा है विकल। मिर्च से नैन लाल चेहरा है विकल। आँखों से तुम्हारी बह जल धारा, आँखों से तुम्हारी
धारा, कैसा ये वेश तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। से कपड़े सारे पीले हुए, धुएं के बादल हैं छाए हुए, हल्दी से कपड़े सारे पीले हुए, धुएं के बादल हैं छाए हुए, भेद है ये कैसा जाने ना कोई, लीला न तुमरी पहचाने कोई, लीला न तुमरी पहचाने कोई, इसमें छुपा है क्या इशारा, इसमें छुपा है क्या इशारा, कैसा ये खेल तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, हैरान है जग सारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। प्रभु श्री, ये लोग कुछ सेवा देना चाहते हैं। सेवा? क्या सेवा देना चाहते हैं आप लोग? मैं मिर्ची लाया हूँ। मैं हल्दी लाया हूँ। अच्छा, तो आप एक काम ये कीजिए, आप सारी मिर्ची इसमें डाल दीजिए और आप सारी हल्दी इसमें डाल दीजिए। सबकी सब? हाँ। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया सचमुच। चलो आओ। हाँ कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, हैरान है जग सारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। प्रभु जी, कुछ सत्संगी सेवा देने आए हैं। आइए आइए। आओ। क्या सेवा लाए हैं आप? मैं शक्कर लाया हूँ। अच्छा जी, तो इसमें डाल दीजिए। अच्छा, और आप लोग एक एक करके सब इनमें डाल दीजिए। अच्छा प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। डालो डालो भाई। हाँ। शक्कर डाल दो। अच्छा हाँ। सब सब थैली खाली कर दो। डाल दो ये भी। काली मिर्च डालो डालो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। चलो भाई चलो। हाँ चलो चलो। क्या बात है, उत्सव है ना। हाँ शाक उत्सव। Thank you.
बदलती अंगिठियां तेज अगन है, क्या बुरा हाल है तपता तन है। जलती अंगिठियां तेज अगन है, क्या बुरा हाल है तपता तन है। तन से पसीना है रहा निकल, मिर्च से नैन लाल चेहरा है विकल, मिर्च से नैन लाल चेहरा है विकल। आंखों से तुमरी बह जल धारा, आंखों से तुमरी बह जल धारा, कैसा ये वेश तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। ये है हमारे गुरुश्री मुक्तानंद स्वामी, और आप हैं प्रभु श्री का परिवार। स्वागत है आप सबका, स्वागत है। आइए, आप सब थके हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए और स्नान आदि भी निपटा लीजिए। आइए। अच्छी सुनिए तो, पहले हमरे घनश्याम से तो मिल लें। वे कुछ काम में उलझे हुए हैं, आप वहां पर देखिए, देख रही है ना, वे हैं हमारे प्रभु श्री और आपके घनश्याम। जी देख रहे हो क्या हाल हो गया है हमरे घनश्याम का, अकेले ही पूरा काम निपटा रहा है। जी मुक्तानंद जी, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कोई भी उन्हें मदद क्यों नहीं करता। ये सब प्रभु की ही इच्छा है कि वो अकेले ही काम करें। सच कहें तो प्रभु श्री का ये स्वरूप हम सभी पहली बार देख रहे हैं। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, लौट जाएंगे अपनी छपैया को, वो भी घनश्याम को साथ लेकर। वहाँ अपनी खेती बाड़ी है, अपना अच्छा खासा घर है। भाग्यवान, हम चैन से रहेंगे, कम से कम इस तरह तो काम नहीं करना पड़ेगा मेरे घनश्याम को। चलिए चलिए, हम लोग जाते हैं और मिलते हैं अपने घनश्याम को। हाँ हाँ, चलिए चलिए। रुकिए रुकिए, मेरी विनती स्वीकार करें, आप अपने घनश्याम से अवश्य मिलिए, परंतु थोड़ी प्रतीक्षा के बाद, तभी आपको अपने घनश्याम के सही दर्शन होंगे और साथ साथ समाधान होगा आपकी हर शंका और समस्या का। माया तीतानंद जी, आइए, ले चलिए इनको, आइए। जी आइए आइए आइए। कड़ाइयों में पक रहा है, हर कोई उसको तक रहा है। ओ खाना कड़ाइयों में पक रहा है, हर कोई उसको तक रहा है। स्वाद न जाने कैसा बनेगा, कौन ऐसा खाना खा सकेगा, कौन ऐसा खाना खा भी सकेगा।
कैसा ये तुमने जादू डारा, कैसा ये तुमने जादू डारा, कैसा ये खेल तुम्हारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा। जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, जाने क्या बात है, जाने क्या राज है, हैरान है जग सारा, कैसा ये रूप तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये रूप तुम्हारा, कैसा ये भेष तुम्हारा प्रभु जी, कैसा ये भेष तुम्हारा। अरे मत मारी गई, मेरी मत मारी गई। अरे क्या हुआ दरबार? अरे क्या नहीं हुआ वो पूछो। ठीक है बताओ क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ पूछ रहे हो? अरे क्या हुआ, क्या होने वाला है ये पूछो। अरे भाई बताओ तो सही, क्या होने वाला है? यहाँ पर शाकोत्सव होने वाला था ना, हाँ? अब ठट्ठा उत्सव होगा, ठट्ठा उत्सव। वो भला कैसे? मत मारी गई थी मेरी कि मैंने इस सूखे में प्रभु जी को कहा कि कोई उत्सव करो, और मत मारी गई प्रभु जी की, उन्होंने यहाँ पर शाकोत्सव किया, और मत मारी गई हम सब की कि हम गांजी के बेल की तरह प्रभु जी के साथ मुंडी हिलाते हिलाते घूम रहे हैं पीछे पीछे। सुरा खाजर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? अरे अब सब मेहमान आएंगे तो खाने में क्या बनेगा, हा? बैंगन की सब्जी। न रोटी होगी, न दाल होगी, न भात होगा, न मिठाई होगी, अरे यहाँ तक कि मेरे पापड़ भी नहीं होगे। दरबार एक बात सुनो, ये शाकोत्सव है तो शाकी होगा ना, और क्या हो सकता है? मगर शाक होगा, मगर स्वाद में कैसा होगा, हा? अरे प्रभु जी ने मसाला का कोई प्रमाण ही नहीं रखा, कोई भी मसाला किसी भी कढ़ाई में डलवाते ही रहते हैं, डलवाते ही रहते हैं। अरे क्या होगा, सब लोग हमारी ठट्ठा करेंगे, हमारी नाक, मेरा मतलब है मेरी नाक कट जाएगी। कोई हमारे उत्सव पर भरोसा ही नहीं करेगा, अरे कोई स्वामी नारायण पर ही भरोसा नहीं करेगा, अरे स्वामी नारायण संप्रदाय ही नहीं रहेगा। अरे बाप रे, डूब गई, डूब गई सब लुटिया। कृपया प्रारंभ कीजिए। सिर्फ साग, वो भी बैंगन का। अरे मैं तो अलग अलग प्रकार की मिठाई की लालच से आया था। हाँ, मुझे तो भरसा अति प्रिय है। यहाँ पे ना पूरियां है ना रोटियां है, ये कैसा उत्सव है भाई? देखा मुक्तानंद जी, डूब गई ना लुटिया। किस सोच में पड़ गए तुम सब?
कृपया प्रारंभ कीजिए। अरे इसमें तो मिठाई का ही स्वाद है, बिल्कुल लड्डू जैसा। हाँ लो, अरे वाह वाह मजा आ गया, लो आप भी लो। क्या स्वाद है। नहीं भाई ये तो बिल्कुल फरसान का ही स्वाद है, बिल्कुल फलवरी जैसा। अच्छा चलो चलो खाई खाई। वाह क्या खट्टा मीठा स्वाद है। मजा आ गया। सुरा जी पापड़ जैसा लग रहा है ना। अरे प्रभु जी आज तो ये पेट भी छोटा पड़ेगा। मुक्तानंद जी ये कैसा चमत्कार है। हाँ ये चमत्कार नहीं है दरबार, ये प्रभु श्री की लीला है। जो उनकी लीला को नहीं समझ पाते वे इसे चमत्कार ही मानेंगे। ये सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की। वाह वाह बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। 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 बैठिए बैठिए। भाभी माँ
भाभी माँ। भाभी माँ। पहचान लिया, पहचान लिया, हमरे घनश्याम ने हमको पहचान लिया। सभी सत्संगियों, आज हमारे लिए ये बहुत ही अमूल्य अवसर है कि हमारे प्रभु श्री का पूरा परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। ये प्रभु श्री के बड़े भाई राम प्रताप जी, ये प्रभु श्री की भाभी सुहासिनी भाभी, ये प्रभु श्री के छोटे भाई इच्छा राम जी, छोटी भाभी वरियाली बाई, और ये इनके पुत्र रघुवीर प्रसाद जी और अयोध्या प्रसाद जी, और ये नंदराम और गोपाल। छपैया से पूरा ब्राह्मण परिवार हमारे दर्शन के लिए आए हैं। हम भी उनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सुख और दुख मनुष्य के जीवन में धूप छांव के समान आते जाते रहते हैं। दुख की धूप को यदि प्रभु का आशीर्वाद समझकर झेलें, तो ही सुख की छांव का अनुभव हो सकता है। सुख की छांव अगर पानी है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा कल्याण मार्ग पर चलता रहे। प्रभु श्री, आपके न जाने कितने भक्त होंगे। प्रभु श्री, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के सब लोग आपको अपने पास रखना चाहते हैं। प्रभु श्री, गढ़पुर पर आपका आशीर्वाद है, हम बार बार आपके दर्शन पाते हैं। आज गढ़पुर सत्संग का सबसे बड़ा धाम बन गया है, इसके लिए हम दादा खाचर के आभारी हैं। प्रभु श्री, वो तो आपकी अच्छाई है कि आप उसका श्रेय दादा को दे रहे हैं। नहीं जीवा खाचर, हमारे तो कई भक्त हैं,
मगर दादा जैसा कोई नहीं। अति भव्य इस दरबारगढ़ को साधुओं का डेरा बना देने वाले दादा जैसा कोई भी नहीं। प्रभु जी, आप भी एक बार किसी पर मन आ गया बस फिर उस पर प्रशंसा की बरसात कर देते हैं। एक बार दादा ने हमारे अक्षर ओरडी की छत ऊंची करवाई, हमें पसंद नहीं आई तो हमने दादा से उसे नीचे करवाने के लिए कहा। दादा ने हमारे कहे अनुसार उसे नीचे करवा दी। तब हमें ऐसा लगा कि नीचे छत अच्छी नहीं लग रही है। हमने फिर से दादा को सूचना दी और दादा ने बड़ी मेहनत से बिना मुख्य भाव बदले उसे ऊंची करवा दी, और वो भी बिना किसी नाखुशी के, बिना किसी हिचकिचाहट के। दादा तो दादा ही है। क्षमा करना प्रभु श्री, पर ऐसा करने से लोग इन्हें मूर्ख मानते हैं। लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं कि दादा में बुद्धि का अभाव है, इसीलिए ऐसे काम किया करते हैं। प्रभु श्री, क्षमा करना, आप दोनों बड़े के बीच में छोटा मुंह बड़ी बात, पर जीवा काका, श्रद्धा के आगे बुद्धि का क्या काम। जब प्रभु पे इतनी श्रद्धा लगा दी हो फिर मन को कष्ट देने से क्या लाभ। लोगों को चाहे बुरा लगे या भला, पर श्रद्धा रख के एक बार नाव में बैठ गए फिर तो वहीं जाना है जहां नाविक ले जाएगा। मेरे लिए तो जीवन का अर्थ ही आपकी भक्ति है प्रभु श्री। वाह वाह, धन्य है दादा। अरे क्या बात है, क्या बात। वाह दादा खाचर, वाह, धन्य है आपकी भक्ति। वाह वाह दादा, वाह। जीवा खाचर, हमारे मन में तो सबके लिए स्नेह है, आपके लिए भी है, परंतु दादा तो दादा ही है। समय आने पर मैं आप में और उनमें क्या फर्क है ये दिखा दूंगा। वाह प्रभु वाह, आप और आपका भक्त। जय स्वामी नारायण। एक बार कुछ सोचकर हमने दादा को अपने पास बुलाया। हमने सोचा कि ये सुनकर दादा सोच में पड़ जाएंगे। जब हमने उनसे कहा कि दादा आपके तो कोई पुत्र है नहीं, आप इस धन वैभव का क्या करेंगे, अब ये सब कुछ हमारी सांख योगी बहनों के नाम कर दीजिए, तो क्या जवाब दिया दादा ने। और क्या जवाब देंगे। क्या प्रभु जी, आप भी ये कहकर उन्होंने बात टाल दी होगी और क्या। नहीं जीवा खाचर, दादा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो दस्तावेज हमारे हाथ में रख दिए हस्ताक्षर करके। क्या क्या बात कर रहे हैं प्रभु श्री, ये अधिकार उसे किसने दिया, बचपना करता है कभी कभी। अरे ये सब छोड़िए, जब मैंने पूछा कि दादा अब तो आपके पास कुछ भी नहीं, अब आप क्या करोगे, तो कहने लगे भावनगर जाकर नौकरी करूंगा। गढ़पुर का राजा नौकरी करेगा, धन्य है दादा, धन्य है, धन्य है। दादा तो बस दादा ही है। प्रभु श्री, आप मेरी इतनी प्रशंसा मत कीजिए, मैं इसे पचा नहीं पाता हूँ। हम क्या करें दादा, प्रशंसा के शब्द रुक ही नहीं पाते। हाँ इसीलिए, आपके लिए तो दादा ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। जीवा खाचर, आपके लिए भी हमारे मन में आदर है, पर फिर भी मैं यही कहूंगा दादा तो बस दादा है। चलिए। अरे सुन, दादा 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 दादा, ये प्रभु जी भी तो, ये जीवा खाचर कुछ भी। जीवा खाचर, देखा ना, प्रभु श्री का भी यही मानना है कि दादा तो आखिर दादा है और कोई नहीं, समझे ना। आहा, जिसे देखो दादा दादा करता है, ये जीवा खाचर कुछ भी नहीं। देखूंगा, करूंगा नहीं किसी को भी। हाँ
ये बारिश में चूल्हा नहीं जल रहा, लकड़ियां गीली है। अब ऐसी बारिश में सूखी लकड़ियां कहां से लाए? वो देखिए बेचारे बारिश में कैसे परेशान हो रहे हैं। कैसे जलाएं इसे, कोई तीर्थयात्री लगते हैं। न जाने इसी तरह कितने तीर्थयात्री परेशान होते होंगे। तुम जरा फूंक मार कर देखो भाई। ऐसे यात्रियों के लिए इस गांव में कोई धर्मशाला होनी चाहिए। जी प्रभु श्री, आपका सूचन बिल्कुल सही है प्रभु श्री। दादा ठीक कह रहे हैं। हाँ रुको, क्या खाक सही है? अरे ऐसे तो कई लोग आते जाते रहते हैं। सुनो, वो लोग अपनी समस्या का हल खुद ढूंढ लेंगे, समझे? काका तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो और सुनो। ऐसे धर्मादा करने लगे तो खुद को इसी तरह रोटी सेकने का समय आ जाएगा। चलो खाचर। हाँ भी शायद जल जाए। न जाने जीवा खाचर का स्वभाव ऐसा क्यों है। एक अभय खाचर थे और एक वो है, और उनसे एकदम विपरीत है दादा खाचर। हाँ प्रेमानंद जी, वैसे जीवा खाचर अच्छे हैं, बस उन्हें एक ही बात अच्छी नहीं लगती, और वो ये कि हम दादा की प्रशंसा करते रहते हैं और वो ये नाराजगी सबके सामने दिखाते हैं। उनकी उसी समस्या को दूर करने के लिए हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो कैसे प्रभु श्री? बस आप देखते रहिए प्रेमानंद जी। जय स्वामी नारायण। आइए जीवा खाचर। जय स्वामी नारायण। आइए जीवा जी। प्रभु ऐसा क्या काम आ पड़ा जो इतनी रात को बारिश में मुझे बुलाना पड़ा? हमें दादा से कुछ काम आ पड़ा, सोचा आपको भी साथ ले लें। क्या प्रभु, आप भी दिन में दादा रात में दादा। दादा के खाका, चलिए भी चलिए। वाह प्रभु क्या बारिश हो रही है, वाह। हाँ हाँ हाँ, क्या प्रभु आप भी, इतनी जोरों से बारिश हो रही है और एक आप हैं जो दादा 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 करते रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई, ये जीवा काचर कुछ भी नहीं। चलो देख लेते हैं दादा घर पर है भी या नहीं। दादा, ओ दादा, दादा, ओ दादा, दादा, दादा यहाँ भी नहीं है दादा। हाँ अरे प्रभु श्री, ये तो वही सुबह वाला साधु लगता है। हाँ जी बाजी, लगते तो वही हैं। ए जागो, ए अरे जागो। कमाल है कमाल है, जमीन से रुई की तलाई पर क्या आ गए, नींद पर ही कब्जा कर लिया तुमने। हा दादा तो दादा है। प्रभु श्री, प्रभु श्री ये भी आपकी भाषा बोलने लगा। जी भाजी, उसे पूछिए तो सही कि वो यहाँ कैसे। हाँ बोलो बाबा जी। अरे बात ही मत पूछो, वो आए हम सबको घर में लाकर बिठा दिया। हमारे साथ ये लोग भी थे, उनको भी साथ ले लिया, हम सबको खाना खिलाया और यहाँ सोने के लिए कहकर चले गए। कहाँ चले गए वो तो नहीं पता। आइए जीवा जी। दादा तो यहाँ है नहीं, तो कहाँ गए होंगे? कहीं संत निवास में तो नहीं गए? संतों के निवास में? आइए। संतों के निवास में ऐसे? प्रभु जी
आइए प्रभु श्री, आइए। प्रभु श्री, ये तो संतों का निवास है, दादा यहां कैसे होगा? दादा, दादा, गढ़पुर का राजा देखो तो जमीन पर सोया हुआ है। दादा, प्रभुश्री, प्रभुश्री, आप इस समय अपने भक्त का तो हम हर समय ख्याल रखते हैं दादा, लेकिन आप ये बताइए, आप यहां इस तरह क्यों सोए हुए हैं? प्रभुश्री, आपने सुबह नदी किनारे बताया कि हमारे गांव में एक धर्मशाला होनी चाहिए, पर प्रभुश्री, ये बारिश के मौसम में धर्मशाला का मकान बनाना बहुत कठिन है, तो मैंने उपाय ढूंढ निकाला। मैं सभी यात्रियों को दरबारगढ़ में ले आया, उनको वहां सुलाया, और जगह की कमी पड़ी तो मैं यहाँ संत निवास में चला आया। एक दो महीना रह लूंगा इधर, बारिश समाप्त होते ही धर्मशाला का मकान बन जाएगा तो मैं दरबारगढ़ वापस चला जाऊंगा। दादा, और बा, उनको मैंने सांख्य योगी बहनों के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कह दिया है, लेकिन दादा, वो ठकरानी सांख्य योगी बहनों के साथ कैसे रह पाएंगी? पर यात्री तो चैन से रह पाएंगे ना प्रभु जी, और हमें यहाँ किस बात की कमी है? इन संतों के साथ रहने का सद्भाग्य तो किसी किसी को ही मिलता है ना, और प्रभु श्री, आपकी इच्छा पूरी करना ही हमारा जीवन है। दादा, दादा तो बस दादा ही है प्रभु श्री। और फिर दादा ने क्या कहा? दादा ने कहा, आपकी इच्छा पूरी करना वही मेरा जीवन है। तू ही सारे जग में समाया, जो भी है सब तेरी ही माया। तू ही सारे जग में समाया, जो भी है सब तेरी ही माया। मेरे शाम, ओ मेरे शाम।
का फेरा। तुमने स्वामी कितनों को तारा, हमको भी है तेरा सहारा। तुमने स्वामी कितनों को तारा, हमको भी है तेरा सहारा। मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, श्याम घन श्याम, श्याम जी भाभी माँ के लिए। लाडू बा? हाँ। प्रभु श्री की थाली तैयार है? हाँ तैयार है। अच्छा दादा आते ही होंगे। जय स्वामीनारायण भाभी माँ। जय स्वामीनारायण। घनश्याम महाराज ने भोजन कर लिया? जी उन्हें पहुंचा दिया गया है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। माँ। हाँ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। प्रभु श्री का खाना तैयार है? हाँ तैयार है। ये लीजिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। कर रहा प्रेमानंद जी। मन प्रभु श्री स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मन अस्वस्थ है और स्वस्थ मन से किया गया भोजन विष समान होता है। Oh
जरा जल्दी करो, जल्दी करो, कितना काम पड़ा है, सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। हाँ ये लीजिए। क्यों? पता नहीं, प्रभु श्री खाना खाने से मना कर रहे हैं। शायद फलाहार करेंगे। दे, ये ले जा, ये अवश्य खाएंगे। ठीक है, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या हुआ होगा? पता नहीं। प्रभु श्री, कुछ फल ग्रहण करें। नहीं प्रेमानंद जी, इच्छा ही नहीं हो रही। प्रभु श्री, भूख भी कभी कभी मन को व्याकुल बना देती है, कुछ खा लें। नहीं प्रेमानंद जी, अन्यथा। किसी के गले निवाला नहीं उतरेगा, सत्संगी संत सब भूखे रहेंगे। एक समस्या है प्रेमानंद जी, भोजन तो हमें यही पसंद है, पर एक स्नेही जन जो बरसों के बाद हमसे मिले हैं, बरसों पहले जो चीज हमें बड़ी स्नेह से खिलाया करते थे, वो इस बार देना ही भूल गए हैं। जब तक हमें वो नहीं मिलेगा, कदाचित हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। बा, ये भी ले लीजिए। ये भी? ये फल भी नहीं खाए? आज प्रभु श्री कुछ भी खाने से मना कर रहे हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हाँ चलो देखते हैं, आओ। पता नहीं प्रभु श्री आज भोजन के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं होगी, और क्या कारण हो सकता है? अवश्य कोई कारण होगा, प्रभु श्री की कोई भी बात बिना कारण की नहीं होती। लाडू बा, हाँ? किसके लिए ये लीला करने की सोची होगी प्रभु श्री ने? हम सबके लिए कि अपने परिवार के लिए? एक बात तो अवश्य है जीवी बा, कि प्रभु श्री जो हमसे करवाना चाहते हैं, पहले स्वयं करते हैं, पर आज ये कुछ ना खाकर हमसे क्या करवाना चाहते होंगे? भाभी माँ, ये भाभी माँ क्या लेकर जा रही है? पता नहीं, अब इतनी सी पेटी में ऐसा कौन सा बड़ा खाना होगा जो प्रभु श्री खा लेंगे? घनश्याम महाराज क्या खाना चाहते हैं और क्या नहीं, ये हमसे अच्छा भाभी माँ जानती हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। चलो चलो। आओ भाभी माँ। हाँ? आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? सुगंध से, जो हमारी नाक तक पहुँच गई। कैसी सुगंध? तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं की सुगंध।
तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं का स्वाद और सुगंध, तो हमारे रोम-रोम में बसे हुए हैं भाभी माँ। अच्छा ये बताओ, तुम छपिया से कब आई? मैं तो शाकोत्सव के समय ही आ गई थी। अच्छा, और लड्डू लेकर अब आ रही हो? वो तो लंबे अरसे के बाद आपको देखा तो मैं अपने आप को ही भूल गई थी। ये क्यों नहीं कहती कि अपने घनश्याम महाराज को भूल गई थी? कैसी बात करते हो? तो अब तक लड्डू क्यों नहीं खिलाए? कैसे खिलाती, कितने बड़े हो गए हो आप, लोग आपकी पूजा करते हैं, बड़े बड़े थाल रखते हैं भोजन के आपके सामने, और भाभी के ये लड्डू किस तरह दूं मैं? बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर माँ से तो बड़ा नहीं हो जाता है ना। अच्छा अच्छा, भूल हो गई मुझसे, अब तो लड्डू खा लो। मैं खाऊंगा। और सबको खिलाऊंगा। प्रभु श्री, आज प्रभु श्री ने खाई हुई चीज हमारे लिए प्रसाद है, सभी खाएंगे। दादाजी। हाँ? ये तो बहुत कम है, सबको पूरे नहीं पड़ेंगे। पूरे पड़ेंगे बाबी माँ, घर घर पहुंचेंगे ये लड्डू, स्वामीनारायण का प्रसाद बनकर, जिसमें माँ की ममता और आशीर्वाद की मिठास है। ये लड्डू पहचान बन जाएंगे स्वामीनारायण संप्रदाय की। सब खाएंगे, ये लीजिए। जय स्वामीनारायण भाभी माँ। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बैठिए। जीवी बा, आपसे मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछने के लिए पूछना क्या भाभी माँ, अवश्य पूछ सकती हैं। आपको तो पूरा अधिकार है, प्रभु श्री की भाभी माँ, हम सब की भाभी माँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? भाभी माँ सेवा कार्य है जिसका जीवन हो, उसके हृदय में अच्छाई के लिए ना तो मोह होता है और ना ही बुराई के लिए नफरत। तुम्हारा और लाडूबा का ब्याह हो चुका है? हाँ भाभी माँ, हमारा ब्याह तो हो चुका है। अच्छा, आपके पति? एक ही है जो सदैव हमारे साथ होते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दादाजी। भाभी माँ, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। दादाजी, ये लाड़ोबा और जीवीबा का ब्याह हो चुका है ना? हाँ भाभी माँ। उनके पति जीवित है ना? वो तो चिरंजीव है। मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। क्या बात करती है भाभी माँ, वो तो पूरे दरबारगढ़ में बसे हैं। किसी ने मुझे मिलवाया भी नहीं। वो हमारे आसपास ही रहते हैं
आप जब चाहे उन्हें मिल सकती हैं, जब चाहे उन्हें देख सकती हैं। कौन है वो? मुरली मनोहर। मुरली मनोहर जी। पर दादाजी, फिर भी ये दोनों बहनें इस रूप में क्यों रहती हैं? भाभी माँ, आप अर्थ नहीं समझी। मुरली मनोहर का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। दोनों ने भगवान के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, त्याग की राह पे निकल पड़ी है वे। अभी त्यागी बनी है तो त्यागी के रूप में रहेंगी ना। पर ऐसे त्याग करने की उनको क्या जरूरत पड़ी? भाभी माँ, ये प्रश्न का उत्तर तो बस प्रभु श्री दे सकते हैं। जय स्वामीनारायण। बाद में आपके काका ने अपना मन पापड़ से दूर रखा। सूरा काका और उनके पापड़, उनकी बात ही कुछ और है। आइए भाभी माँ, बिराजिए। कहिए भाभी माँ। मैं लाड़ोबा और जीवीबा के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो दोनों ऐसे वेश में क्यों घूम रहे हैं, बेवा के? पर आपने ये कैसे सोच लिया भाभी माँ कि वो बेवा का वेश है? और नहीं तो कौन सा वेश है? न सर पे बाल, भगवे वस्त्र, न साज, न श्रृंगार। पर भाभी माँ, वो तो घनश्याम महाराज, आप सबको सही रास्ता दिखाते हो, सही राह पे ले जाते हो, परंतु ये क्या ठीक रहेगा कि ये दोनों बहनों को वैराग्य की राह पर ले जा रहे हो? कैसे जीवन बीतेगा इन दोनों का? पर भाभी माँ, इसमें कोई क्या कर सकता है? रोकना चाहिए था, मनाना चाहिए था उन दोनों को। भाभी माँ, हमारा पूरा परिवार यही चाहता था कि दोनों बहनें ब्याह कर लें, अपना संसार संभाले, अपनी घर गृहस्थी संभाले। पर वो दोनों बहनें ही ब्याह करना नहीं चाहती थी। प्रभु श्री, याद है आपको, एक बार सबने ब्रह्मानंद जी को भेजा उनके पास, उन्हें मनाने समझाने, और तब पता है क्या हुआ? जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। देखिए, आप दोनों की उम्र बहुत छोटी है, अभी तो आपके हंसने कूदने और खेलने के दिन है, पहनने ओढ़ने के दिन है। शादी ब्याह रचाइए, ससुराल जाइए। क्या आपको उचित लगता है ये, इस उम्र में इतने सीधे साधे वस्त्र पहनना? हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अलंकारों से अपने आप को सजाकर घूमते रहते हैं, तो पुरुषों की दृष्टि हमारी ओर जाती है। हमें देखकर उनके मन में, उनकी दृष्टि में विकार और वासना जन्म लेती है। हम तो परमेश्वर की हो चुकी हैं। पति परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर को रिझाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती। ये लीजिए हमारे अलंकार, ये आपके काम आएंगे। आपका जीवन तो ये अलंकार हैं, और हमारे लिए प्रभु का नाम लेना ही मूल्यवान अलंकार है। लाडूदान जी, भाभी माँ, लाडूदान जी बड़े राजा महाराजाओं के कवि हुआ करते थे, बड़े ठाट माट से रहते थे। आज वो बस ईश्वर के गुण गाते हैं। उन्होंने भी संसार त्याग दिया, दीक्षा ग्रहण करके साधु बन गए। लाडूबा और
जीवबा के कारण। गुरु बनकर लाडूबा और जीवबा से मिलने वाले लाडूदान जी शिष्य बनकर वापस आ गए। दोनों बहनें साधारण हंसी नहीं है भाभी माँ, वे तो ईश्वर की शक्ति हैं। उन्होंने कल्याण मार्ग को चुना है जो कठिन है। दूसरों को यदि मोह माया के बंधनों से दूर रखना हो, प्रलोभनों से व्यसनों से दूर रखना हो, तो स्वयं को भी तो दूर रखना पड़ता है ना भाभी माँ। उनका वेश बेवा का नहीं है भाभी माँ, त्यागी का है। और अब तो आप आई गई हो ना भाभी माँ, तो अब आपको परिचय होगा दोनों बहनों की शक्तियों का। जय स्वामी नारायण। लाडूबा, मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपने अपने घर वालों को समझाने का प्रयास किया? जी, पूरा प्रयास किया। हम आएंगे आपके घर वालों को समझाने के लिए। देखिए बहन, औरतों को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार प्राप्त है। पढ़ाई करने से बुद्धि का विकास होता है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। बहन, अगर आप मन से मक्कम हैं कि अपनी बहन को पढ़ाकर रहेंगी, तो हम आपकी मदद करेंगे। आपके घर वाले इस बात को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आपकी बहन को दरबारगढ़ में ले आएंगे, फिर देखते हैं उसे पढ़ने से कौन रोकता है। तो मैं उसे कल से दरबारगढ़ में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। हम सांख्य योगी बहनों का कार्य यही है कि औरतों के जीवन में सुधार लाया जाए। सती प्रथा, छोटी सी बच्ची को दूध पीती कर देना, किसी भी विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं देना, इन सब सामाजिक कुरिवाजों के खिलाफ लड़ना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। कल हमारे गांव में एक औरत सती होने जा रही है, पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। बहनों, हमें इसे रोकना होगा। जन्म और मृत्यु देने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। किसी भी औरत को अपने पति के पीछे मरने के लिए विवश कोई भी नहीं कर सकता। कल हम लोगों के पास सिर्फ एक ही कार्य है कि उस औरत को मरने से बचाया जाए। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। जय अम्बे, जय भवानी। 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 जला देना न केवल अपराध है बल्कि बहुत बड़ा पाप है। नहीं, ये हम संसारियों की परंपरा है। इसका पति मर चुका है और ये सती बनने जा रही है, तो आप सब लोगों को चाहिए कि आप लोग इसे रोकें। ये परंपरा निभाना कोई खोटा काम नहीं है कि इसे रोका जाए। बहुत ही बुरा काम है काका, बहुत बुरा काम है। अरे, इसका पति मर गया, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? इसने जानबूझकर तो इसे नहीं मारा। इसका पति मेरा पुत्र था साध्वी जी। यदि आपका पुत्र ना मर के आपकी बहू मर जाती तो क्या? तो क्या आप इसी तरह अपने पुत्र को जिंदा चिता पर बिठाकर जला देते? कैसी बात कर रही हैं आप, ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
ना कभी होगा। तो क्या करते ये तो बताइए। हम उसका दूसरा विवाह करवाते। तो यही बात आप इस बेचारी के साथ क्यों नहीं करते काका? तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम इसका दूसरा ब्याह करवा दीजिए काका? ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों? जो अधिकार आप अपने पुत्र को दे सकते हैं वो आप अपनी बहू को नहीं दे सकते काका? इस बेचारी को जीने का उतना ही हक है जितना एक मर्द को होता है। कृपया आप यहाँ से चली जाइए। आप साध्वी हैं, आपको हम संसारियों की बातों से भला क्या लेना देना। हमें संसार में समाज में जीना होता है, उसके रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करना पड़ता है हमें। आप सीधी बात क्यों नहीं करते काका कि आपकी ये बेवा बहू आप पर बोझ बन गई है, आप इसका लालन पालन नहीं कर सकते, आप इसे मार डालना चाहते हैं। साध्वी जी। काका आप अपने पुत्र की मौत का बदला बेचारी इस अबला से लेना चाहते हैं? अरे ओ स्वामीनारायण के भक्तों, अपना धर्म अपने पास रखिए, हमारे सामने तुम्हारी कोई बकबक नहीं चलने वाली है। दलीलें मत कीजिए, चली जाइए यहाँ से, सती होने का मुहूर्त टला जा रहा है। नहीं, मैं अपने जीते जी इसको जिंदा जलने नहीं दूंगी। तो आप क्या कर लोगी? आप क्या कर लेंगे? धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। काका अगर ये मरेगी तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं इसे जिला नहीं सकती तो इसके साथ मर तो सकती हूँ। आइए लगाइए चिता में आग। आइए आइए आप लोग। साध्वी माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से, हमारी परंपरा में बाधा मत डालिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर प्राण लेना ही आपका काम और आपकी परंपरा है तो मेरे प्राण लेने में आपको क्या बाधा हो सकती है? साध्वी जी। जाइए काका, मैं एक साध्वी इसी पल आपको क्षमा करती हूँ, आप अपनी परंपरा को जीवित रखिए। लगा दीजिए आग। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। आप जलाइए। नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं जला सकते। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। साध्वी जी, ये कैसी उलझन में आपने हमें डाल दिया है, कृपया उतर जाइए, हमें परंपरा निभाने दीजिए, पाप में मत डालिए, उतर जाइए, उतर जाइए। काका आप पाप और परंपरा के पाखंड में क्यों पड़ते हैं? आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप ये बताइए कि हमारा कसूर क्या है? यही ना कि हम पहले से चली आ रही परंपरा को निभाने जा रहे हैं? परंपरा प्रथा तोड़ने का पाप करने से तो मर जाना अच्छा है। साध्वी जी, मार डालिए, मार डालिए हमें, मार डालिए साध्वी जी, हमें मार डालिए। बस करो, बहुत हुआ। मुझे जीवित रहना है या सती होना है ये तय करने वाले आप सब हैं कौन? कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी इच्छा क्या है? तुम क्या चाहती हो बहन? मैं सती होना चाहती हूँ। पति की मृत्यु के पश्चात मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, कैसा होगा मेरा ये जानते हैं आप? कि रहूं या ससुराल, घर के किसी अंधेरे कोने में सड़ना पड़ेगा मुझको। खाने को एक सूखी रोटी मिलेगी और पहनने को मिलेगा एक सफेद वस्त्र,
माथा मुंडवाना पड़ेगा। किसी ना किसी की दया मुझ पर पड़ेगी और तब तो मृत्यु भी दयाहीन हो जाएगी। बहन, सती बनकर मरूंगी तो सब सती माता कहकर हाथ जोड़ेंगे, और अगर जीवित रही तो सहारा देने वाला कोई हाथ नहीं होगा मेरे भाग्य में। क्या ऐसे जीवन के लिए जिलाना है मुझको? इसे तो मरना अधिक अच्छा है। बताइए, जीवित रही तो कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? है कोई जवाब आपके पास? हाँ है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? हाँ, प्रभु श्री स्वामी नारायण का संप्रदाय तुमको अपनी शरण में लेगा। तुम खूब सेवा करना। श्री सती प्रथा जैसे कुरिवाजों को, संसार और समाज की गंदगी को दूर करना, बस यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। बोलो, है मंजूर? बहू को बुलाइए। अजी, सुनती हो? जा रहे हो तुम लोग? इस छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची की जान लेना चाहते हो? हमारी बहू ने लड़की पैदा की है साध्वी जी। अगर इसने लड़के को जन्म दिया होता तो क्या आप लोग उसको भी मार डालते? कैसी बात कर रही हो साध्वी जी आप? क्यों, आप एक लड़के को तो जीने का अधिकार दे सकते हो, एक लड़की को नहीं? देखो, तुम हमारे संसारियों के काम में बाधा मत डालो। क्यों, संसारी लोग क्या बच्चों को मार डालने का काम करते हैं? तुम साध्वी हो, तुम्हें क्या पता लड़की के घर वालों पर क्या बीतती है। घर वाले उसे बड़े लाग प्यार से बड़ा करते हैं, पर वो तो प्राय धन होती है। एक दिन उसे ससुराल भेजना पड़ता है। मुंह मांगा दहेज देने के बाद भी बेटी के ससुराल वाले कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहते हैं। बेटी के घर वालों को देना भी पड़ता है, बेटी के सुख के लिए। फिर भी लड़की को ससुराल में सुख मिलेगा इस बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इससे तो अच्छा है ना, पैदा होते ही उसे दूध पीती कर दी जाए। यही है ना इस बच्ची की माँ? हाँ। ये आप लोगों के घर की बहू है ना? हाँ। आपने इसके घर वालों से भी दहेज मांगा होगा? मांगा था ना। और उन लोगों ने दिया भी होगा। देखिए, और आज भी मांगते रहते होंगे आप, और वो लोग देते भी रहते होंगे। आप कहना क्या चाहती हो? यही तो, अगर आप लेते रहते हैं तो आपको देना भी पड़ता होगा। यही तो मैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? जब आपकी बेटी बड़ी हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, जो आपने लिया है वो उसकी शादी में दे देना। देखिए, संतान ईश्वर की देन होती है, पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती है। पुत्री के प्राण लेना
प्रभु की दृष्टि में ना केवल अपराध है बल्कि प्रभु की दृष्टि में पाप भी है। तो आप सब लोग ये अपराध करके पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं? क्या मिलेगा इस सब से आपको? मेरी बात मानिए, इस बच्ची को अपने गले से लगा लीजिए। दूध पीती, दहेज प्रथा, इन सब कुचक्रों से बाहर निकलिए आप। इस नन्ही सी बच्ची को अपने गले से लगाइए। इसे मारकर नर्क के भागीदार मत बनिए आप लोग, बल्कि इसको अपनाकर अपने घर को स्वर्ग बनाइए। अन्यथा देखिएगा, एक दिन इस धरती पर केवल पुरुष ही पुरुष नजर आएंगे, स्त्रियों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। लो बहन, अपनी बच्ची संभालो। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। आइए भाभी माँ। घनश्याम महाराज, मैंने लाडूबा और जीवीबा के कार्य देखे। अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताने का निश्चय करके, अपना संसार सुख त्याग करके, वो औरतों का जीवन बचाने का और संवारने का कार्य करती हैं। धन्य हैं वो, धन्य हैं। भाभी माँ, ये दोनों तो जड़ हैं उस वृक्ष की, जिसकी डालियां हर जगह फैली हुई हैं, जो दूषण को खत्म करने का काम कर रही है। घनश्याम महाराज, पर अब हमें आपसे कोई फरियाद नहीं है। कैसी फरियाद भाभी माँ? आप हमें त्याग कर यहाँ पर आ गए। हम बहुत दुखी थे आपसे, पर आज मुझे लग रहा है कि अच्छा किया कि हमने आपको नहीं रोका। अगर रोक पाते तो एक ही परिवार खुश रह सकता था। पर स्वामी नारायण भगवान, यहां तो कितनों का जीवन संवार और सुधार रहे हैं आप। क्षमा कर देना प्रभु, हमें माफ कर देना स्वामी नारायण भगवान, क्षमा कर देना घनश्याम महाराज। प्रभु श्री, जब भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान का भक्त भगवान के धाम में जाता है, तब वो किस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है? धर्म कुल का आश्रित भगवान का भक्त भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्ममय देह प्राप्त करता है, और जब वो इस देह को त्याग करके भगवान के धाम में जाता है, तो कोई गरुड़ पे, कोई रथ पे और कोई विमान में बैठ के जाता है। योग समाधि वाले इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। महाराज की जय हो। आइए। प्रणाम महाराज। विराजिए। कहिए महाराज, हम ग्वालियर के हैं, गवैये हैं, देश देश प्रांत प्रांत घूमते हैं, स्पर्धा करते हैं, इनाम पाते हैं। आज तक कोई हमसे जीत नहीं सका है। आपका नाम सुन के आपके दरबार में आए हैं। है कोई आपके दरबार में ऐसा जो हमसे मुकाबला कर सके? देखिए, ये तो प्रभु का दरबार है, और प्रभु का दरबार स्पर्धाएं नहीं करता,
वो तो केवल सेवाएं कर सकता है। आपकी ना, आपकी पराजय होगी। हम तो जय पराजय से विमुख होते हैं भाई, यहां तो केवल प्रभु के गुणगान गाए जाते हैं, सुर की आराधना होती है। आप मेहमान बनकर पधारे हैं तो ठीक है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देते हैं। प्रेमानंद जी, thank you।
चकित है, प्रेम सखी तो बहुत चकित है, गाए निश दिन की। भूल न जाना मेरे मीत, यही मेरी अर्ज है नी, यही मेरी अर्ज है नी। मेरे मीत। वाह वाह वाह, अति सुंदर, वाह वाह, बहुत अच्छा। धन्य हो स्वामी, धन्य हो, अद्भुत महाराज। हम इतना अद्भुत नहीं गा सकते, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। स्वामी जी, यह आपकी सेवा और भक्ति की जीत है, और हमारे घमंड की हार। आपने अपना घमंड प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, और यही हार आपकी जीत सिद्ध होगी। धन्य हो स्वामी। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भिक्षां देही, भिक्षां देही, भिक्षां देही। जय स्वामीनारायण। देखा मोतीराम? हाँ सर। कैसा है इनका कॉस्ट्यूम? और ऐसा कलयुग में औरत के सामने भी ना देखने वाला ये पवित्र संत है कौन? ये स्वामीनारायण के संत हैं। ओ आई सी। वो किधर है? सौराष्ट्र में। इस तरफ आते हैं कि नहीं? आते थे, लेकिन लेकिन क्या साहब, आपकी अंग्रेज सरकार से पहले इस शहर अहमदाबाद में सूबा का राज हुआ करता था। सूबा राजा ने प्रभु श्री को कह दिया कि जब तक उनका राज है तब तक वे इस शहर में पांव भी नहीं रखेंगे। ओह आई सी। बस तब से वे गए, वो गए, कभी भी वापस नहीं आए। आजकल वे सौराष्ट्र में घूम रहे हैं। हमारे इस शहर में उनके फॉलोअर्स हैं? हाँ है ना, मेरा छोटा भाई कुबेर वो स्वामीनारायण धर्म में ही मानता है। ओके, एक काम करना मोतीराम, आज हमारे गवर्नर डनलॉप ने मीटिंग बुलवाया है, तुम भी अपना छोटा भाई को साथ में लेकर आना। ओके सर। ऑफिसर्स, आप जानते हैं कि यह मीटिंग हमने क्यों बुलाई है? हम बताते हैं, अहमदाबाद के गवर्नर की पोस्ट पर होते हुए भी हम शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। हमारे पास पुलिस फोर्स है, सोल्जर्स है, फिर भी सी दिस, यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज क्राइम रिपोर्ट, जो हमें बता रही है कि अहमदाबाद में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। जब हमारे पास पुलिस फोर्स है, सोल्जर्स है, तो हम इस क्राइम पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, क्यों खत्म नहीं कर सकते? एंड नाउ आई विल शो यू द सेकंड क्राइम रिपोर्ट। देखो,
यह स्वराष्ट्र का क्राइम रिपोर्ट है। स्वराष्ट्र में क्राइम निल है निल, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? Why? क्योंकि सर, वहां जो है वो यहां हमारे शहर में नहीं है। क्या नहीं है हमारे शहर में? हमारे पास, हमारे साथ नहीं है प्रभु श्री स्वामीनारायण। What? What do you mean? हां साहब, आपके पहले की सुबह सरकार ने उन्हें देश निकाला दिया था, गांव में आने से मना कर दिया था, तभी से वो। ठीक है, अगर वो होते तो क्या कर लेते? क्राइम को कैसे रोकते? जैसे उन्होंने वहां रोका है। यू मीन उनके पास हमसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? नहीं, वो रोकते केवल शब्दों से है। बड़ा ही जादू है उनकी वाणी में, और उसका असर है गांव वाले उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर हिंसा करना छोड़ देते हैं, व्यसनों से दूर रहते हैं, सामने वाले को भी दूर रखते हैं, अपने घरों को, अपने गांव को स्वच्छ रखते हैं। इतना ही नहीं सर, उनके कारण सती प्रथा जैसी हत्यारे रीति रिवाज भी कम हो गए। मैंने अपनी आंखों से यह देखा है। हाँ साहब, अब कोई अपनी बेटी को दूध पीती नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षा की अनुमति देते हैं। पूरे गांव में न कोई दंगा है न फसाद है, पूरे गांव में सिर्फ शांति का साम्राज्य है साहब। ओह, आई सी। सर, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। कैन आई सजेस्ट समथिंग? ऑफ कोर्स मिस्टर हैरन, व्हाट डू यू वांट टू से? सर, हम उनको यहां पे इनवाइट करें तो? दैट्स गुड आइडिया। क्या अच्छा आइडिया है, बट वो यहां आएंगे ना? अवश्य आएंगे साहब। ठीक है, डू वन थिंग मिस्टर हैरन, उन्हें एक लेटर लिखिए, उन्हें लिखिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अगर वो हमसे मिलने नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम उनसे मिलने जाएंगे। मिस्टर कुबेर, हम तुमको एक लेटर लिख के देता है, तुम अपने साथी को लेकर चले जाओ। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। ठीक है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक वार्ता सुनिए। जब दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हों, निशाने आमने सामने लग चुके हों, तो दोनों के मन में एक ही विचार आता है कि यदि अपना निशाना उनके निशाने पर लगा दिया जाए तो सीधे ही जीत जाएंगे। वे ये विचार नहीं करते कि इस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने निशाने को उनके निशाने पर लगाने के लिए कितने सर कटेंगे, कितना खून बहेगा। जो शूरवीर सैनिक होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, और जो कायर सैनिक होते हैं वो यही सोचते हैं कि जीतने के बाद सामने वाले का हथियार धन जो भी मिलेगा उसे लूट लेंगे। शूरवीर का तो निशाना लेना और जीतना यही लक्ष्य होता है, लूट का लोभ उसे नहीं होता। यही दृष्टांत है और यही सिद्धांत भी। निशान की जगह प्रभु का धाम है, शूरवीर के ठिकाने प्रभु के भक्त हैं। उनको तो संसार में मान मिले या अपमान मिले, शरीर रोगी रहे या निरोगी रहे, सुख मिले या दुख मिले, इन सब से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उनके मन में तो एक दृढ़ निश्चय है कि भगवान के धाम में जाकर बसना है। कायर के स्थान पर दे अभिमानी भक्त हैं, सोचते रहते हैं कि वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, और सोचते हैं कि श्रीमंत रहेंगे तो संसार में रह पाएंगे। शूरवीर तो भगवान के दृढ़ भक्त होते हैं,
उन्हें प्रिंड ब्रह्मांड संबंधी किसी भी बात की आसक्ति नहीं रहती। हमेशा भगवान के दृढ़ भक्त बने रहिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मोतीराम जी। जय स्वामीनारायण। आपका स्वागत है। प्रभु श्री, अहमदाबाद से हमारे साथ अंग्रेज सरकार की ओर से कर्नल वॉकर आए हैं। अरे कर्नल, हाँ? अजीब बात है। नमस्ते। अरे पता नहीं, आपका स्वागत है। हमारे गवर्नर डनलॉप ने आपके नाम लेटर भेजा है। वहाँ का वातावरण कैसा है? काफी बदल गया है। आपके अपराधी पेशवा का पतन हुआ है। पेशवाई सत्ता का अस्त हो गया है। पेशवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय वो कारावास में है। दगा किसी का सगा नहीं होता, है ना श्रीहरि? आपको मार डालने की जाल बिछाने वाला पेशवा आज स्वयं बंधन भुगत रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो वहां गवर्नर का रूल है प्रभु श्री। गवर्नर डनलॉप आपसे और अपने संप्रदाय से बहुत प्रभावित हैं। हम लोगों से आपके बारे में, संप्रदाय के बारे में बहुत पूछताछ करते हैं, जानकारी पाते हैं। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम सबको नई सरकार ने निमंत्रण भेजा है। प्रभु श्री, अगर आपको आने में आपत्ति हो तो हमारे गवर्नर आपको मिलने यहां आ जाएंगे। गवर्नर का अर्थ राजा होता है, और राजा को यहां बुलाना अच्छी बात नहीं होगी। हम ही वहां आएंगे उनसे मिलने के लिए। आप बाकी सब सत्संगियों और संतों को तैयार रहने के लिए बोल दीजिएगा। और हाँ, काठियों को भी कह दें कि वह घोड़े तैयार रखें। हम कल प्रातः काल ही प्रयाण करेंगे। कई सालों बाद अहमदाबाद की भूमि फिर से पुनित हो जाएगी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। क्या बात। Thank God कि वो आ रहे हैं। He is agreed to come. Otherwise, हम उनको मिलने को चले जाते। Yes, पर उनका जवाब था, गवर्नर तो राजा समान होता है। उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम ही चले जाएंगे। Oh, so nice of him. और सर, वो गढ़पुर से निकल चुके हैं। Good, very good. हम और पूरा अहमदाबाद उनका वेलकम करेगा कांकड़िया के पास। Thank you.
We welcome you in Ahmedabad, Swaminarayan ji. Thank you very much. जो आप यहाँ पर पधारे, हमने फैसला कर लिया था कि अगर आप हमारे पास नहीं आएंगे, तो हम आपके पास आएंगे। आप तो राजा हैं, राजा तो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचता है, हमेशा प्रजा की भलाई ही सोचता है। ऐसे राजा का साथ देना तुम्हारा कर्तव्य है। हम भी तो आपकी प्रजा हैं, इसमें धन्यवाद कैसा, बल्कि हम तो आपके आभारी हैं, क्योंकि आपके निमंत्रण के कारण ही हम अहमदाबाद के सत्संगियों से फिर से मिल पाएंगे। यू नो स्वामी जी, जब हम अपने इष्ट देव यीशु ख्रिस्त को याद करता है, उसका प्रे करने के वास्ते अपनी आईज को क्लोज करता है, तो हमारी आंखों में आप ही का चेहरा नजर आता है। स्वामी जी, हमको यकीन हो गया, ट्रस्ट हो गया कि आप ही गॉड का रूप है। यस, आइए पधारिए स्वामी जी। सहजानंद सुख कारक आए अहमदाबाद में, दिन दुखियन उद्धारक आए अहमदाबाद में, स्वागत करने हरिजन आए अहमदाबाद में, महंगे मोती सब बरसाए अहमदाबाद में। सहजानंद सुख कारक आए अहमदाबाद में, दिन दुखियन उद्धारक आए। अरे मुनिम जी, लाओ जरा हम देखें। अरे ये क्या लिखा है चौपड़े में? क्या लिखा है? स्वामीनारायण स्वामीनारायण। मैं कहता हूं ये हिसाब किताब में स्वामीनारायण कहां से आ गए? क्या करूं सेठ, पहले प्रभु श्री स्वामीनारायण दिल में बस गए, फिर दिल से हाथों के रास्ते चोपड़े में। निकालो निकालो इसे। कैसे निकालूं? दिल से नहीं निकलेगा तो चोपड़े से कैसे निकालूं? क्या, मैं तो कहता हूं रहने दो चोपड़े में। जिसके भी चोपड़े में प्रभु का स्थान होगा, उसकी उन्नति ही होगी, समृद्धि बढ़ती ही रहेगी हमेशा के लिए। लगता है तुम भी स्वामीनारायणिया हो गए हो। अब तक तो नहीं था, पर जब से प्रभु स्वामीनारायण जी की असवारी देखी है, बस मन करता है प्रभु स्वामीनारायण की असवारी के पीछे मैं दौड़ के पहुंच जाऊं और प्रभु स्वामीनारायण को वंदन करूं, नमस्कार करूं और जीवन के चौपड़े में रोम रोम पर उनका नाम लिख दूं। बात तो सही है तुम्हारी, मुझको भी रास्ते में स्वामीनारायण की अश्वारी मिल गई। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एक ओटे पर चढ़कर खड़ा हो गया। करीबन एक घंटे तक खड़ा रहा, उनके साधु संतों को देखा, भक्तों को देखा, और पता है हमारे अहमदाबाद के प्रतिष्ठित लोग हीराचंद चौकसी, बेचर माणकीवाला, छोड़ीदार कुबेर सिंह और शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भाव विभोर होकर नाच रहे थे, भजन कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और जानते हो अश्वारी के अंत में मैंने क्या देखा? महिलाएं, कुलवान घर की महिलाएं स्वामीनारायण के नाम का जयघोष कर रही थी। चारों ओर मकानों के झरोखों में, खिड़कियों में लोग जमा थे, सारे लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे।
स्वामीनारायण के दर्शन कर रहे थे। अहमदाबाद का आकाश आज स्वामीनारायण शब्द से भर गया हो, जैसे सूर्यदेव भी रुक गए हो अश्वारी को निहारने के लिए। सच कहूं तो मैं अपने काम से निकला हुआ था, काफी देर हो रही थी मुझे। मन ही मन में गुस्सा हो रहा था, पर जब प्रभु को देखा, उनकी अश्वारी देखी, तो सारा गुस्सा शांत हो गया। काम तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, परंतु हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु श्री ने इस युग में अवतार धारण किया और हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। जय श्री स्वामी नारायण, जय श्री स्वामी नारायण, जय श्री स्वामी नारायण। सहजानंद सुख कारक आए अहमदाबाद में, दिन दुखियन उद्धारक आए अहमदाबाद में, स्वागत करने हरिजन आए अहमदाबाद में, महंगे मोती सब बरसाए अहमदाबाद में। सहजानंद सुख कारक आए अहमदाबाद में, दिन दुखियन उद्धारक आए। काम अहमदाबाद में, बद्रीनाथ की भक्त
अहमदाबाद में, हरे के मेला अपरंपार अहमदाबाद में, सहजानंद सुख कारक आए अहमदाबाद में, बिन दुखियन उद्धारक आए अहमदाबाद में, स्वागत करने हरिजन आए अहमदाबाद में, महंगे मोती सब बरसाए अहमदाबाद में। स्वामीनारायण भगवान की जय, 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 स्वामीनारायण भगवान की जय। भाई कहे ना कहे, हम माने या ना माने, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय जैसा चोखा संप्रदाय दूसरा कोई नहीं है। हाँ, धर्म मर्यादा स्वच्छता आचार व्यवहार सब में एकदम चोखा, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। और ऐसे साधु भी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कोई गाली गलौज करे फिर भी उस पर क्रोध नहीं करते, बल्कि अहित करने वाले को भी वो सच्चे हृदय से आशीर्वाद देते हैं। हाँ, न मन में कोई राग द्वेष, हर किसी पर प्रेम भाव सद्भावना। हाँ, भिक्षा मांगने आते हैं तो कभी औरतों के सामने ऊंची नजर करके भी नहीं देखते, मन में कोई विकार हो तो देखेंगे ना। हाँ, भिक्षा ली और निकल गए। अरे संप्रदाय के साधु संतों की बात छोड़ो, उनके सत्संगियों को लो, वो सब तो संसारी हैं, छोटा मोटा काम करने वाले, धंधा करने वाले, फिर भी वो इस संप्रदाय की तरह बिल्कुल शुद्ध हैं, अपने आप को व्यसन से दूर रखते हैं। और हाँ, पराये धन में कभी भी लालच नहीं रखते, मोह माया में भी नहीं पड़ते, किसी के साथ धोखा भी नहीं करते, बस प्रभु ने जो दिया है और देते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं। और हाँ, पर स्त्री भी उनके लिए मात समान है। ये तो स्वामीनारायण की कृपा का कमाल है। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रभु श्री, क्या हुआ काठी? गजब हो गया प्रभु श्री, मेरी तलवार चोरी हो गई। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि अहमदाबाद बड़ा शहर है, शहर अगर बड़ा होगा तो लोग भी तो अधिक होंगे। अब लोगों की संख्या अगर अधिक होगी तो चोरों की संख्या भी तो अधिक होगी ना। आपको संभाल कर रखनी चाहिए थी अपनी तलवार। पर प्रभुश्री, क्या मुझे मेरी तलवार वापस नहीं मिलेगी? दूसरी बनवा लीजिएगा, है ना? पर प्रभुश्री, मेरी तलवार बहुत मूल्यवान थी, सोने की मुठ वाली थी। जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है काठी। जो भी हुआ है अच्छे के लिए। अब देखिए काठी, आप तो ये तलवार दूसरी भी बनवा सकते हैं, मगर जिसने ये तलवार चुराई होगी वो अवश्य गरीब होगा। उस तलवार को बेचकर वो अपना पेट भरेगा और अपने बच्चों को भी भोजन करवाएगा। अब भले ही अनजाने में, लेकिन आपने किसी का भला तो किया है ना, भूखों को भोजन करवाया, है ना ये अच्छी बात? सही बात है प्रभु श्री। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। We are very very thankful Swamiji, जो आप यहाँ पर पधारे। क्यों नहीं आते? निमंत्रण तो हमें पेशवा सरकार की ओर से भी मिला था, पर उस निमंत्रण में कपट भाव था। आपके निमंत्रण में तो सद्भाव है। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो बस इतना जानना चाहता है स्वामी जी कि आपके हाथ में ऐसा कौन सा जादू है जिससे चोर बदमाश लुटेरे और मर्डर जैसा लोग भी आपके वश में हो जाते हैं और बुरे से बुरा काम भी करना छोड़ देते हैं। कैसे? हाउ? जादू तो है ये माला।
दिस माला? माला? हाँ। स्ट्रेंज। ये माला भगवान के नाम की माला है, उसका नाम स्मरण। ये वो शक्ति है जिसके सामने प्रत्येक शस्त्र भी झुक जाता है। प्रत्येक जीव पर जीत प्राप्त हो सकती है। इससे हम लोगों के शरीर नहीं, उनका मन जीतते हैं, उनके हृदय पर विजय प्राप्त करते हैं। हमारे ये संत कथा वार्ता करते हैं और सबको जीवन की सच्ची राह पर कैसे चलना है ये सिखाते हैं। प्रभु जी, समझाने से समझे ऐसी प्रजा यहाँ पे नहीं है। प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं, पर वही तो हमारा लक्ष्य है कि कुरवाजों और अनीति के बीच कुचलती हुई प्रजा को नया जीवन दिलाएं। हम भी उनको डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे पास तो पूरा फौज है। आप बल का शस्त्र अपनाते हैं और हम धर्म का। हमारे धर्म का यही सिद्धांत है कि कोई भी किसी का बुरा ना करे तो अपने आप ही सबका भला हो जाता है। और सैनिक तो हमारे पास भी हैं, संत और सत्संगियों के रूप में। ये संत दिन रात देखे बिना निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहते हैं, समाज सुधार का कार्य। और मोतीराम जी और कुबेर जी जैसे सत्संगी इन कार्यों में इनका साथ देते हैं। प्रभु श्री जी, क्या हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं? अवश्य। प्रभु श्री जी, अहमदाबाद में बहुत सारा मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू धर्म का मंदिर भी है, मठ है, आश्रम है, और यहाँ पर आपका बहुत सारा सत्संगी लोग भी है, पर ताज्जुब है आपका यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, आश्रम भी नहीं है। Why? ऐसा क्यों? इस अहमदाबाद शहर में हमारे पास दिल भर की जमीन जगह नहीं है साहब, फिर हम ये आश्रम कहाँ खड़ा करेंगे, मंदिर कहाँ बनवाएंगे? जमीन तो हम भी दे सकता है प्रभु श्री, क्यों सर? Yes, why not? स्वामी जी, आप जमीन पसंद करें, जहां पर आप उंगली रखेंगे वो जमीन आपका। अगर आप हमें हुक्म करें तो पूरे का पूरा माणिक चौक आपके हवाले कर देंगे। वहां पर बहुत सारा मकान है, दुकान है, सब आपका। नहीं, हम किसी को निराश्रय करके अपने भगवान को बसाना नहीं चाहते, किसी का मकान तुड़वाकर मंदिर बनवाना नहीं चाहते, किसी की आंखों पर अपना आश्रम खड़ा करना नहीं चाहते, किसी का दुख हमारा सुख नहीं है। ग्रेट, यू आर ग्रेट स्वामी जी। ओके, एक काम कीजिए, आप सब लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए और डिस्कस करके हमें बताइए कि आपको कितना और कैसा लैंड चाहिए। ओके? तो कहिए क्या करना है? करना क्या है प्रभु श्री, मंदिर का निर्माण करना है और क्या। कुबेर जी, मोतीराम जी, ब्रजलाल जी, हीरालाल जी, आप सभी सत्संगी हैं, संसारी हैं। कदाचित आप लोग ये नहीं जानते कि मंदिर का निर्माण करना तो सरल है, लेकिन उसे चलाना कठिन है। आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु श्री? मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर किसी सत्संगी का घर नहीं है, ना ही किसी व्यापारी की दुकान या पेड़ी है। मंदिर कोई कारखाना भी नहीं है। मंदिर तो वो होता है जहां प्रभु श्री विराजमान होते हैं, जहां भक्ति होती है, भजन होता है, कथामृत का वांचन होता है, जहां देव आराधना होती है, पूजन होता है,
नियम अनुसार मंगल आरती और शयन आरती होती है। जहां धर्म मार्ग और कल्याण मार्ग पर चलना सिखाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने वाले के हृदय में बारंबार शांति का उद्भव होता है। मोह माया, लोभ, लालच, स्वार्थ, इन सभी का नाश हो जाता है। जहां प्रवेश करने पर पापी भी पुण्यशाली बन जाता है। हम तो मंदिर का निर्माण ही चाहते हैं प्रभु श्री, और इसके लिए हम अपनी शक्ति अनुसार संपत्ति खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, मंदिर के निर्माण के लिए संपत्ति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भक्तों, यदि आप श्रद्धा के साथ एक पैसा भी देंगे तो वो लाखों के बराबर होगा। हम भी मंदिर बनवा के अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, पूरी श्रद्धा पूर्वक माथा टिकाने के स्थान का निर्माण करना चाहते हैं हरिश्री। तो ठीक है, ढूंढिए जमीन। मेरे ध्यान में एक जगह है हरिश्री। कौन सी? पाठकवाड़ी। तो ये है पाठकवाड़ी। जी स्वामी जी, ये जमीन खाली ही पड़ी है। पाठक परिवार या ज्ञाति वाले न तो यहाँ रहते हैं, न कभी आते जाते हैं। बस दिन प्रतिदिन कचरे का ढेर होता जा रहा है और ये जमीन बंजर सी होती जा रही है। यदि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होता है तो वह इस जगह का सदुपयोग होगा। हर धरती के टुकड़े की अपनी निजी तासीर होती है, संस्कार होते हैं और पवित्रता होती है। यह धरती पवित्र और संस्कारी है। यह मंदिर बनने के लिए पूर्णता योग्य है। हां, मानस की ही तरह धरती भी रजस, तमस और सात्विक होती है। धरती के भी गुण, अवगुण और संस्कार होते हैं। कोई एक परिवार किसी मकान में रहने जाता है तो उस परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भावना, प्यार बढ़ जाते हैं, और कोई परिवार किसी मकान में रहने जाता है तो उसमें दुख, झगड़े, अशांति बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है धरती के गुण, अवगुण और संस्कार के कारण। पाठकवाड़ी मंदिर बनाने के लिए योग्य स्थान है। जब यह मंदिर बनेगा और देव स्थापना होगी तो मानव दानव, भूत प्रेत, संत वंत, राजा प्रजा सभी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह सुख, शांति और समृद्धि देता रहेगा। हम मंदिर यहीं बनाएंगे। स्वामी नारायण।